बीजेपी के बंद पर तृणमूल कांग्रेस ने निशाना भी साधा। टीएमसी के नेता हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने हमला बोला, हर साल बंद बुला लो कुछ नहीं होगा। अभिषेक बैनर्जी ने यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि शुरू बीजेपी ने किया, खत्म हम करेंगे। तो बीजेपी ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, यह कहना अभिषेक बैनर्जी का। एक बार फिर से वरुण के पास चलते हैं। वरुण, कुल मिलाकर जो स्थिति नजर आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को, ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास है कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है, कितनी बड़ी घटना हो गई, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। तभी तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं ना, जिसमें कहा जा रहा है कि हर साल बंद बुला लो कुछ नहीं होगा। मतलब जनता आंदोलन करती रहे, कुछ नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं पड़ता उन्हें। से जानती है ममता बनर्जी, तभी कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वही ये सब हंगामा कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो सेंटर के पाले में डालना चाहती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि अब जो ये आंदोलन है कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी से ना जुड़कर पूरे राज्य की आम जनता से जुड़ता जा रहा है। और अगर इसे काबू में करना है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना होगा कि जो प्रोटेस्टर है ये आम जनता नहीं है, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, और जो सेंटर है उसी की मिली भगत से ये सब हो रहा है। यही वजह है कि कल भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया था, और आज भी कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना होगा, और वो पश्चिम बंगाल में आग लगाना चाहते हैं। आग पश्चिम बंगाल में शायद सेंटर या बीजेपी लगाना चाहती है नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि तस्वीरें किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है। ये बहुत ही साफ सी बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, यानी सुरक्षा देना, इसमें ममता बनर्जी फेल नजर आ रही हैं। लेडी डॉक्टर वाला जो मामला है, अब आप कुछ भी कह लीजिए, जनता इससे कन्विंस हो जाएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। कोलकाता से अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। श्याम बाजार से जूनियर डॉक्टरों ने निकाली है रैली, लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की गई। तो अब देखिए किस तरीके से जूनियर डॉक्टर भी रैली निकाल रहे हैं। अब इसे भी हो सकता है अभिषेक बनर्जी कह दें कि फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से श्याम बाजार से जूनियर डॉक्टरों ने रैली निकाली, तस्वीरें अब आपके सामने हैं। कल भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे छात्र, स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में निकले थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया था। अब आज ये डॉक्टर्स सड़क पर आ गए हैं, ये जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि पिछले काफी समय से नाराज चल रहे हैं जब से ये घटना सामने आई है। अब आपको पश्चिम बंगाल से लेकर चलते हैं गुजरात। यहां वलसाड में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, यहां भी बवाल की वजह है बलात्कार, वो भी 2 साल की मासूम के साथ। आरोपी गुलाम मुस्तफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने रेपिस्ट को सजा देने की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन देर रात से लेकर अब तक जारी है। आपको यह बता दें, पीड़िता के पिता के साथ ही आरोपी काम करता था, और घटना के बाद उसने ट्रेन से भागने का प्रयास किया, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने पकड़ लिया। मामला 2 समुदायों के बीच का भी है, इसीलिए तनाव बहुत बढ़ गया है। वलसाड के कई इलाकों में सजा की मांग को लेकर तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। पूरे वलसाड इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वहां पर बल प्रयोग कर रही है लोगों को हटाने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।